हाय गाइस, सो वेलकम टू अ थर्ड व्लॉग। ये वाला आने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि कुछ बसड़ चल रही थी और काफी बसड़ के बीच ये व्लॉग बनाया है, तो इसलिए इसमें एडिटिंग भी सेकंड जैसी नहीं है। तो सेकंड मैंने थोड़ी बेटर एडिटिंग करी थी, म्यूजिक वगैरह डाला था, वॉइस ओवर वगैरह करा था, इसमें थोड़ा ओके ही है सब। बट दिस व्लॉग इज अबाउट बोर्ड रिजल्ट्स, दैट वी हैड टू किड्स इन आवर फैमिली हु हैड बोर्ड रिजल्ट्स, तो हमने उसके ऊपर व्लॉग बनाया। और दूसरी बात, इनकेस अगर किसी का भाई रिजल्ट ऊपर नीचे आ गया तो भी ऐसे टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ हमारी फैमिली में मेरे जिस भाई का सबसे कम नंबर आया ना 50%, 52 कितने थे प्रतीक के, कितने थे बोलो, 52-53 थे, जिसके 52% थे ना, हमारे खानदान का अंबानी वही है वो। वो भाई साहब ऐसा खर्चा करता है ना बिना रुके, उसके पास सबसे अच्छी घड़ी, गाड़ी, साइकिल, दोस्ती यारी में खर्चा, एंजॉयमेंट, सबसे ज्यादा एंजॉय वही कर रहा है, बाकी सब किलस किलस के गाली खा के रह रहे हैं। सो यस, डू एंजॉय द व्लॉग एंड बस पूरा देख लो और एंड में मिलते हैं फिर वापस। थैंक यू। है हमारे ये होनहार भ्राता, इनका 12th का रिजल्ट आ चुका है जो कि हमने अभी तक देखा नहीं है। रिजल्ट की शुरुआत लैपटॉप हो रहा है, लैपटॉप पे वर्ड फॉर्म पे है लिखेंगे श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ठीक है। चलो दोनों हाथ जोड़ो, शाबाश, तेजी में हाथ जोड़ो भगवान के आगे, ठीक है। पूरे 15 मिनट हो गए रिजल्ट आए और हमारे होनहार बच्चों के पास अपना एडमिट कार्ड का आईडी ही नहीं है। आप सोच सकते हो सीरियसनेस पढ़ाई को लेकर के, रिजल्ट्स को लेकर के, हांड रहे चारों तरफ इतने सीरियस है लो पढ़ाई को, लैटिन और आ गई प्रेशर प्रेशर टेंशन में, लैटिन और आ गई दो बार, रिजल्ट की टेंशन दो बार टट्टी कर चुके हैं, दो बार बताओ। घड़ी आ चुकी है जो हम रिजल्ट देखेंगे, फाइनली देखते हैं क्या जाता है। और ये करा हमने क्लिक और लग रहा है रिजल्ट आ चुका है, काफी तेजी में नंबर आगे बढ़ते हुए। एंटर एडमिट कार्ड आईडी। अरे भाई ये पूरे सस्पेंस की लंका लग गया यार, शायद फाइनली आएगा। ये रहा, आ रहा है रिजल्ट बस आपके सामने, कुछ ही क्षणों के अंदर पहले बच्चे का रिजल्ट बहुत तेजी में आता हुआ, बहुत तेजी वेबसाइट आगे बढ़ रही है, मेरे को लगता है वेबसाइट ही डाउन हो गई आज, इसकी हालत देखते हुए थोड़ी देर बाद देख लेंगे कोई इंटरेस्ट ही नहीं, जीरो इंटरेस्ट, जीरो सस्पेंस, टेक्निकल प्रॉब्लम और रिजल्ट, अभी भी रिजल्ट बाहर नहीं, 10-20 मिनट हो गए अभी भी रिजल्ट नहीं आ पाया। काफी टाइम से ढूंढने पे हमें जिंदगी में दो चीजें नहीं मिल पा रही, एक COVID-19 की वैक्सीन और दूसरा इनका रिजल्ट। फिर से अब एक और हम अटेम्प्ट मारेंगे इनका रिजल्ट निकालने के लिए। आपको याद होगा एक टाइम पे जब इंटरनेट पे रिजल्ट आता था, साइबर कैफे वाले भाई पूरा रेडी लगा के बैठ जाते थे भाई, और हर बंदा आ रहा है, और उस दिन उसका पूरा खानदान काम करने आता था, पूरी फैमिली लगी पड़ी है, एक बंदा प्रिंटर पर बैठा है, एक बंदा सर बैठा है, एक बंदा कैश कलेक्ट करने बैठा है, आ जाओ भाई 15 रुपए रिजल्ट रिजल्ट 15 रुपए, आपको कितना हुआ, प्रिंट आउट भी चाहिए 25 रुपए रिजल्ट रिजल्ट, दो कलर प्रिंट आउट चाहिए, कई कई इतने फुद्दू बच्चे आते थे अपने रिजल्ट का कलर प्रिंट आउट निकाल देते थे 55 रुपए रिजल्ट 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 रिजल्ट। और एक बार तो मेरे रिजल्ट निकाल भाई, एक बच्चा इतना हरामी आया उसने पूरी क्लास का रिजल्ट निकलवा लिया यार, तुमने कहा मुझे सबका प्रिंट आउट दो, ढोल लगा रहे, ढोल वाले पहुंच जाते साइबर कैफे के बाहर, माँ बाप को प्रेशर, बच्चा पास हो गया, डक 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 डक, भाई साहब बाप भी खुशी खुशी ले बड़ा 20 रुपए ले ले। हमारे यहाँ तो विकास में सब होता, ढोल लगाड़े वाले आ रहे हैं साइबर कैफे के बाहर, उनको पता है किस दिन का धंधा है, सच में झूठ बोल रहे हैं, कसम से ढोल वाले आ जाते साइबर कैफे, ढोल बजा रहे हैं, डक 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 डक, बाप भी आ रहा है, ले ले बेटे ले ले। देखो हमारे देश में एक तो एक चीज है, जिस दिन पे जो चीज चलनी होती है ना उसी दिन वो चीज नहीं चलती, बस ये CBSE की वेबसाइट कौन खोल रहा है आप बताओ, पूरे साल भर ये अच्छी चलती है, फुल अपडेट्स आते रहे, आज एक दिन होता है एक दिन साल में कि लोगों को CBSE की वेबसाइट चेक करनी होती है, और आज ही क्रैश, जब तुम्हें पता है 15 लोग देखेंगे, 15-20 लाख लोग, तो बना दो ना उस हिसाब से सर्वर्स। हाँ अभी पापा का फोन आया, हाँ टेंशन मतलब रिजल्ट आती पिटू हुए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूरा लपेट लेंगे एकदम, कम नंबर ला लेते तो इन्हें वो बाद में समझाएंगे, कोई बात नहीं नंबर से फर्क नहीं पड़ता, दो थप्पड़ तो मारेंगे दो थप्पड़ तो बनते हैं, 2-3 थप्पड़ से ऐसे कम में क्या बात होगा, आपने नहीं मारे थे हमें ये सीना रिजल्ट का, एक घंटा हो गया, CBSE की वेबसाइट डाउन है, पर सूत्रों के मुताबिक मुझे इनका रिजल्ट पता चल चुका है और हम इन्हें बता नहीं रहे अभी, थोड़ा उसमें रखा हुआ है कि कैसा गया, अच्छा है बुरा नहीं है रिजल्ट, फॉर श्योर अच्छा है, पर देखते हैं कैसे होता है एडमिशन, हमारी लड़की स्पोर्ट्स में भी आगे काफी तेज है तो होपफुली स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन आगे का होना चाहिए, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। इसका नहीं पता चला है, इसका भी नहीं पता चला है, ये ज्यादा इसकी बड़ी बढ़िया, ये इसको फर्क नहीं पड़ रहा रिजल्ट का, उतनी देर में 3 मिकाडो की गेम खेल चुकी है। CBSE रिजल्ट की देरी के वजह से पबजी खेल के मन बहलाते कुछ युवा इस देश के एक सिंगल बेड के से भी छोटे गद्दे पे 3 लोग फिट आए हैं, ये है हमारे देश के युवा की एडजस्ट करने की आदत। तो गाइस सीन ये है कि CBSE की वेबसाइट तो हो गई है क्रैश, पूरे साल में एक दिन उसकी जरूरत पड़ती है और उसमें वो क्रैश हो गई है,
तो हमने इन बच्चों के स्कूल से पता करा, इनकी एक फ्रेंड है जिनकी थोड़ी अप्रोच ज्यादा है स्कूल के अंदर, तो उनसे रिजल्ट निकलवा रहे हैं और रिजल्ट आ चुका है, तो अब इस तरीके से ही रिजल्ट हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, हाँ मानसी बताओ आपको कितना लग रहा है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कितने हैं? जिंदगी में लो एक्सपेक्टेशन के साथ ही खेलो, कि कल को काम आ भी जाए तो भी लगे मैंने तो कभी बोला था मेरे को तो पता नहीं आएगी। सीबीएसई को मेरा एक संदेश पहुंचा दीजिए, प्लीज अपनी वेबसाइट चला लो, हमारे पूरे मूड की तुमने लंका लगा दी। जस्ट तो पहले किसको बताया जाए? नोनी है? नोनी 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 का नोनी के मार्क्स बताए जाते हैं एक एक करके। इंग्लिश 95 नहीं सही है। पॉल साइंस 90 सही बताओ। फिजिकल एजुकेशन जिसमें ये पूरे 10 साल से मेहनत कर रही है फिजिकल एजुकेशन में, उसमें 85 हाँ। पेंटिंग में 97, आईपी में 94 और सोशियोलॉजी में 93। काफी उम्दा परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस दोस्तों भी नहीं ज्यादा नंबर आ जाए, वो भी तब जब वो पढ़ती नहीं थी, पूरे घर में इमेज ये है कि वो पढ़ता है। कैसा लग रहा है, कितने नंबर ला के, क्या आपने कभी सोचा था? नहीं, आप इसमें किस चीज को कोरोना का थोड़ा थैंक यू बोलना चाहेंगी कि कोरोना की वजह से 3 पेपर जो डिफिकल्ट थे वो कैंसिल हुए? yes. और पेंटिंग के नंबर लगे हैं सोशियोलॉजी में पेंटिंग के मार्क्स एवरेज निकाल के लगे हैं सोशियोलॉजी में। आप सब और विश्वास ही नहीं हो रहा है इसे। ये देखो बोरासी गई है। एक्चुअली सीन ये है कि हमारे खानदान में किसी ने ये नंबर देखे ही नहीं है। नॉट जस्ट दिस, मतलब हिस्टोरिकली नोबडी हैज क्रॉस्ड दिस मार्क एंड ओवरऑल बेस्ट। नहीं भैया श्रद्धा के टीम हो रहा है, तो रो मत पीछे जा, हमारे खानदान में थोड़ा सा पीछे इसको चिंता यही किसी दोस्त से ज्यादा, किसी तो श्रद्धा श्रद्धा थोड़ी परेशान थी होगी तेरे अंदर ज्यादा आ गए ये श्रद्धा छोड़ो भाई परेशान हो गया कहते ज्यादा आ गए। पहले एक कबर कृतिक जी को दी जाती है, रो रहा है क्या? नहीं चारों तरफ काफी संगीन माहौल, ज्यादा परेशानी से नोनी 95 मार चुकी है तो इकोनॉमिक्स में आए हैं आपके 89, 100 में 89, कोई चेहरे पे खुशी नहीं। बीएसटी माने बिजनेस स्टडीज में 89 वापस, माशाल्लाह। आईबी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस उसमें आए हैं 89 फिर से 89, बहुत सही परफॉर्मेंस। इंग्लिश, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कई लोगों छक्के छुड़ा देता है और अगर आपने इनकी अगर वर्बल इंग्लिश सुन ली तो आपको यकीन हो जाएगा इनके 35 से 40 से ऊपर कुछ नहीं आएगा इन दोनों की, पर इंग्लिश में काफी सब लोग छक्के छुड़ाते हुए कृतिक जी लाए हैं अपने नोनू जी 89 नंबर दोबारा, खूबसूरत दोबारा 89, चेहरे पे थोड़ी हंसी आती, चेहरे पे हल्की हल्की हंसी आती, बेस्ट फोर तो निकल गया। और पांचवा फिजिकल एजुकेशन जिसमें बचपन से मेहनत कर रहे हैं 10 साल से, उसमें आए हैं 91, तो माशाल्लाह खूबसूरत रिजल्ट दोनों लोग हमारे घर में। देखा जाए चेहरे पे हंसी खुशी कम या रोना ज्यादा। ठीक है, ये था हमारा आज का व्लॉग, बच्चों के नंबर आ चुके हैं, अभी थोड़ा इमोशनल माहौल, पर हमारी उम्मीदों से बहुत ज्यादा खरे उतरे क्योंकि इससे पहले हाईएस्ट परसेंटेज जो हमारे घर में थी 12th में वो थी मेरी 69% कॉमर्स विदाउट मैथ्स। ऐसी बात नहीं है बच्चे, ऐसी बात नहीं है, हमारे बच्चे हल्के हैं, ये जो नंबर आए हैं ये इनके भयंकर स्पोर्ट्स के पास, स्पोर्ट्स होने के बावजूद क्या था, दोनों नेशनल तुम तो हो नेशनल, ये ऐसे स्पोर्ट्स में नेशनल जिस स्पोर्ट्स का किसी को नाम नहीं पता पर नेशनल और ये हमारे फुटबॉल के नेशनल प्लेयर, ये नेशनल फुटबॉल, तो काफी उम्मीद है कॉलेज मिल जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रिजल्ट आया और इसके बाकी तो बहुत तगड़े नंबर आए, बस एक अकाउंट्स में थोड़े ठीक आए, खराब तो नहीं है कहेंगे हमारे खानदानी हिस्ट्री के हिसाब से तो बहुत अच्छे आए, पर तू रोया क्यों ये बता? वो बात
बाद में भी नहाते नहाते सोचा कि एक तो अकाउंट्स में कमाए उसकी वजह से, हाँ। दूसरा इसके पता नहीं कैसे सब में मुझसे ज्यादा आ गए। तो तुझे मतलब इससे मेरे किसी में भी ज्यादा नहीं आए। और हमारे पूरे घर में इमेज ये है, हमारे घर में इमेज ये है कि इसके नंबर ज्यादा आते हैं, ये पढ़ने में तेज है क्या, और क्या सेंसिबल है थोड़ा, नहीं तो नोनो आपको क्या बुरा लग रहा है कि नोनी के ज्यादा है बस ना, उसका नहीं होता आपको बस ज्यादा है, इसके ज्यादा है मतलब अच्छी परसेंटेज आई, लेकिन बस वही है कि इसके सब में 99 है, बाकी 88-89 भी 90 होता है और क्या, लेकिन इससे तो कम है ना। सो दोस्तों दैट वाज द एंड ऑफ आवर थर्ड व्लॉग, आई होप यू लाइक्ड इट, इट वाज ऑन बोर्ड रिजल्ट्स। कोई आपके जान पहचान के लोग हैं जिनका बोर्ड का रिजल्ट कल आने वाला है, मतलब 10th रिजल्ट कल है, 12th का कल था, तो उनसे शेयर वेयर कर लो, और अगर किसी के नंबर भाई ऊपर नीचे भी आ गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, शुरू शुरू की भसड़ होती है बस, और बस वही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगला वीडियो जोर एकदम तेजी में निकाल देंगे, तेजी में। चलो जी, जय हिंद दोस्तों।